देखिए, ऐसे शिक्षक जो स्कूल जाते तो जरूर है लेकिन बच्चों के बीच ज्ञान नहीं बांटते हैं। कहा गया है कि ज्ञान विद्यालय ही ऐसे है जहाँ पठन पाठन ठीक से होता, बाकी सभी विद्यालय की हालत है वो बहुत ही निराशजनक है। सरकार व्यवस्था दे रही है, अब स्कूल का काम है कि स्कूल किस तरह से उसको अपने स्कूल में चला रही है। अभी हमारे साथ जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के विद्यार्थी प्रखंड के अध्यक्ष महोदय राजीव सर, जो दशंकल्प साइंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और शिक्षा को लेकर जरा हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर जरा ये बतलाइए, विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा, खास करके जो हम माध्यमिक शिक्षा की सर हम बात करेंगे, उसमें बहुत ही मैंने उदासीनता देखने को मिलता है। विभिन्न जो गार्जियन है क्षेत्र के, वो लोग बहुत ही नाराज है इसको लेकर। सरकार की ओर से तो विभिन्न तरह की सुविधाएं सर दी जा रही है, लेकिन जो अध्यापक हैं और जो प्रधानाध्यापक है वो कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरते हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में बिहार सरकार ने शिक्षा के हर क्षेत्र में सर्वांगीण काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप उस हर पंचायत में स्कूलों की व्यवस्था देखेंगे तो प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक आपको हर पंचायत में विद्यालय मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अच्छी विद्यालयों की अच्छी बिल्डिंग है, विद्यालयों की अच्छी बिल्डिंग के साथ सरकार ने टीचर्स को भी रिक्रूट की है। अब रह गई बात कि शिक्षक उपलब्ध हैं स्कूल में और नई भर्तियां भी आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 2.25 लाख नई भर्तियां आ रही है जो प्राथमिक से लेकर के और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक की होगी। तो वर्तमान परिदृश्य में सरकार ने अपने तरफ से स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है और वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है उनकी हम सराहना करते हैं कि इन्होंने खास करके बालिकाओं के प्रति अपनी सोच को अच्छा किया है। उनकी अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज बच्चियों के पास साइकिल है, सभी बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ विद्यालयों में ये शिकायत अक्सर मिलते रहती है कि शिक्षक हैं लेकिन वो सही से पठन पाठन का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, विद्यार्थी प्रखंड की बात करें सर तो कुछ विद्यालय, यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे महोदय, ये कुछ विद्यालय नहीं, कुछ विद्यालय ही ऐसे है जहाँ पठन पाठन ठीक से होता, बाकी सभी विद्यालय की हालत है वो बहुत ही निराशजनक है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली और बड़ी कंपनी से जुड़कर कमाए लाखों रुपया का महीना LIC एडवाइजर के लिए निकली निबदा। कॉन्टेक्ट 9135366252। ज्वाइन नाउ। ताजपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, मुश्रीघाटी, दलसिंह सराय, सरंजन, पूसा व अन्य जगहों पर रहकर लाखों रुपया महीना कमाएं। जी हां, LIC की है साथ तो फिक्र की क्या है बात। डेवलपमेंट ऑफिसर रविकांत कुमार, आपका बात सही है संजीव जी, ज्यादातर जो विद्यालय है वहाँ पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत हम कई विद्यालयों में गए हैं, देखे हैं कि वहाँ के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं जो भी हैं सभी बच्चों को नियमित रूप से क्लास कराते हैं। कुछ बच्चे क्लास नहीं भी जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते हैं, तो शिक्षक और पेरेंट्स का मीटिंग उनको कराना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि स्कूल में क्या कमियाँ रह जाती है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अगर बच्चे को किसी कारणवश नहीं भेज पाते हैं तो वो भी भेज पाएंगे, तो एक शिक्षक और पेरेंट्स का मीटिंग होना चाहिए। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग से लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, बच्चे भी जागरूक होंगे। अब सरकार कितनी खर्च कर रही है, सरकार बच्चों के लिए मिड डे मील दे रही है ताकि बच्चे स्कूल में जाए, उनको पोषित भोजन मिले। अब तो जो सरकार व्यवस्था दे रही है, अब स्कूल का काम है कि स्कूल किस तरह से उसको अपने स्कूल में चला रही है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएँ दी जा रही है। सरकार काफ़ी खर्च भी कर रही है। आप देखते होंगे कि अभी जितने भी पंचायत के, हर पंचायत के विद्यालय हैं वहाँ पर अच्छे बिल्डिंग, अच्छे लैब हैं, कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्थाएं अब लगभग हाई स्कूल वगैरह में हो गई है। मिडिल स्कूल की बात करें हम तो मिडिल स्कूल में भी आप देखते होंगे कि शिक्षकों की कमी नहीं है, जो भी कमी है वो सरकार पूरा करने जा रही है, लेकिन जो भी शिक्षक हैं उनको अपना काम पूर्ण निष्ठा। वैसे शिक्षक सर जो अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का मोटी रकम ले रहे हैं और शिक्षा की जगत को हम ये कहेंगे शिक्षा मतलब एक अंधकार में समाज वो बना रहे हैं, और एक शिक्षक जो भगवान का दर्जा जिन्हें दिया जाता है मगर वो उस तरह से काम कर रहे हैं, वैसे शिक्षक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे शिक्षक जो स्कूल जाते तो जरूर है लेकिन बच्चों के बीच ज्ञान नहीं बांटते हैं। कहा गया है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जी, शिक्षक जो है एक समाज के लिए बहुत ही अनमोल रत्न है,
उनको समाज के प्रति, समाज के बच्चों के प्रति काम करना चाहिए। अगर वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको सम्मान मिलेगा, बच्चे उनको अच्छे दृष्टि से देखेंगे, बच्चों का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, इससे बच्चे का भविष्य बनेगा। जब बच्चे का भविष्य बनेगा तो बच्चे उस वैसे शिक्षकों को सब दिन याद करेंगे, लेकिन बच्चे वैसे शिक्षकों को कदापि याद नहीं करेंगे जो शिक्षक स्कूल तो जाते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो ऐसे शिक्षकों से हम विनती भी करेंगे, गुजारिश भी करेंगे कि अगर आप विद्यालय जाते हैं, आप भी उतना ही समय विद्यालय में स्पेंड करते हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा, बच्चों का भी आपके प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा और बच्चे में जागृति भी आएगी, बच्चे प्रोग्रेस भी करेंगे और उनका पठन पाठन सुचारू रूप से चलेगा। गार्जियन के लेके सर जाते जाते अंतिम में जो पेरेंट्स लोग हैं, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गार्जियंस को भी अभी के दौर में बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर रखने की आवश्यकता है। जैसे अभी बच्चे मोबाइल फ़ोन के लत में आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, कम उनके उपयोग के अनुसार उनको मोबाइल देना चाहिए और डेली मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को बच्चों का डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए, टाइम टेबल पूछना चाहिए कि तुम इतने बजे से इतने बजे कहाँ थे, इतने बजे विद्यालय में छुट्टी हुई उसके बाद तुम घर कितने मिनट में आ गए, कहाँ रुके थे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर भी जागरूकता आएगा, बच्चे गलती करने से बचेंगे और बच्चे समय सीमा में अगर सब कुछ करते हैं उनका अच्छा प्रोग्रेस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।